देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुभव की प्रचार जोरों पे है और आपका अनुभव क्या बोल रहा है? मेरा अनुभव ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तेज बयारी नहीं आंधी बह रही है और क्षेत्र के चारों ओर जिस भी क्षेत्र में मैं गया हूँ वहाँ से पूरा समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मिल रहा है। आप क्या क्या मुद्दे जो प्रायोरिटी पे आप जनता के बीच रख रहे हैं? देखिए, जनता के बीच के मुद्दे आपको भी पता है क्यों आप मीडिया हैं, आप रख रहे हैं। मैं क्या रख रहा हूँ, मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पार्क की मांग कर रहा हूँ, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो उसकी मांग कर रहा हूँ और ये जो कार्य हैं ये मैं सिर्फ मांग नहीं कर रहा हूँ, इसकी एक कार्य पूरा करके दिखाने का वादा भी कर रहा हूँ। और जनता ने अगर 4 तारीख को जो मुझे दिख रहा है ऊर्जा से मुझे चुना, कमल का बटन दबाकर मेरे पक्ष में मतदान किया, तो ये सारे मुद्दे मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ठीक, बिल्कुल। और नया क्या सोचा आपने जो भी अपने वादे के लिए, आपके आने पर नया क्या आप लेके आएंगे? मैं यूथ ओरिएंटेड पॉलिसीज और मेरे सीनियर सिटीजन्स और लेडीज़ के लिए जो मेरी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को मैं लेके आऊँगा यहाँ पर, इस क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए एक ऐप डिजिटल मीडियम से इस क्षेत्र में कंप्लेंट हो सके, उनके कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन हो सके, एक कॉल सेंटर और एक ऐप हर फोन पर हर नागरिक को देने का मेरा टारगेट है। और ये बात मैं आपके बोल के भी जा रहा हूँ कि चुनाव जीतने 7 तारीख के 30 दिन के अंदर ये ऐप लॉन्च कर दी जाएगी। बात इस तरह से कि नाली खरंजे और सफाई तक हम सीमित रहते हैं, लेकिन क्या कि निगम के स्कूल और निगम की और सारी काफ़ी सारी लाइब्रेरियाँ हैं और हैं, क्या इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान जाएगा? 100% जाएगा। निगम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रकल्प हैं, उनको टारगेट है और उनके लिए कार्य किया जाएगा और जोर शोर से किया जाएगा। और जो आपका जो एजेंडा है कि मतलब हम हर ट्रॉफी में नल में पानी आएगा और हर घर सफाई वगैरह जो पूरे का निशानी कर रहे हैं, अभी जो केजरीवाल जी की जो शराब की आबकारी नीति है तो उसके ऊपर क्या आपका? देखिए, वो कहते हैं कि हम पानी फ्री में दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने शराब के लिए क्या स्थिति की, आप अच्छे से जानते हैं। मेरा कहना इतना है कि साफ जल आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, अगर 24 घंटे नहीं आ सकता तो 2-2 घंटे दिन में 3 बार आना चाहिए ताकि क्षेत्र में पानी की कोई समस्या ना रहे। सैनिटाइजेशन की जो मेरी प्राथमिकता है वो नंबर एक पे है, क्षेत्र में सफाई व्यवस्था उचित हो, पानी हर टूटी में आए और क्षेत्र में ये जो अभी गली में मोहल्ले में ये शराब की दुकानें खोल दी थी उसका हमने पूरा पहले भी विरोध किया था, आगे भी करते रहेंगे, शराब से अपने समाज को बचाने का प्रयास सदा रहेगा। साफ सुथरी राजनीति के साथ वातावरण को भी साफ सुथरा पाएंगे? बिल्कुल, साफ सुथरी राजनीति करेंगे, हेल्दी राजनीति करेंगे। और आपसे भी बोल रहा हूँ, जिस दिन 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और मशीनों में से कमल के फूल निकलेंगे तो उनका एक गुलदस्ता बना के अपने प्रतिद्वंदी श्री मुकेश गोयल जी के चरणों में समर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर आऊँगा। आपको रुझान ऐसा है, चुनाव तो यहाँ का एक तरफा है, चुनाव यहाँ पर एक तरफा, यहाँ पर मुकाबला भी नहीं हो रहा है। और अनुभव जी जो है कम से कम जो है 5 अंकों में चुनाव जीत रहे हैं, 4 अंकों की नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष झा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके टक्कर पे कोई, अनुभव जी के टक्कर पे कोई है नहीं पार्टी, ये जीतेंगे अवश्य जीतेंगे। आपका भी सीनियर है, क्या देख पा रहे हैं? अनुभव जी जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे, पूरा पूरी की पूरी जितना भी ये क्षेत्र है हमारा सब अनुभव जी के साथ है और बहुत ही अनुभव भी है इनको, ये खाली नाम के अनुभव नहीं है, काम का भी अनुभव है, काफ़ी टाइम से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हर समस्या का समाधान करते हैं, सबके साथ लेके चलते हैं, सबका काम आते हैं, कोई इनके अंदर अनुभव की कमी नहीं, जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है।